रहा हूं बहन, आज के बाद या तो इस महल में कोई दुल्हन नहीं आएगी, और अगर आई तो वो जिंदा नहीं रहेगी। अब हुआ हिसाब खून का। नंदलाल, खजांची जी और डॉक्टर साहब, आप सब जानते हैं इस खानदान का इकलौता चिराग है वो। इस सारी जायदाद का अकेला वारिस, इस परिवार के लाभ स्थान में बैठा हुआ सूर्य यानी सूरज, इस महल के तमाम हीरे जवाहरात, सोना चांदी और कैश के भंडार का इकलौता मालिक, इस खानदान की परंपरा का रक्षक, ये सब जानते हुए भी इस महल में रहने वाले किसी को ये नहीं पता कि सूरज कब गया और कहां गया।
समा है बेखुदी का। से आया हूँ मैं डांस करने, डांस करने, डांस करने, डांस करने, हाँ रोमांस करने, रोमांस करने, रोमांस करने। मौजूदगी ने क्लब में बैठे हुए तमाम लोगों की शाम को यादगार बना दिया। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम अचानक लंदन से चली क्यों आई? तुम्हारे लिए। मेरा बस चले तो दादी माँ की पाबंदियों से बचने के लिए मैं खुद लंदन में जाकर रहूं, और तुम यहाँ चली आई क्यों? तुम्हारे साथ चलने के लिए, तुम्हारे पीछे जहाँ भी तुम जाओगे। खैर इस वक्त तो ये हो नहीं सकता क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ। बाय बाय। चलिए जैकपॉट। प्रीत। हाँ भैया। विनर को चुनना तो शायद हमारे खून में है। कैसे? भाई हमेशा रेस में जीतने वाले घोड़े को चुनता है, और बहन उसने ताश के 52 पत्तों में से चुना भी तो हुक्म के इक्के को। प्रीत सूरज के साथ अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो हम लोग लाखों करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। मेरी शादी सूरज से ही होगी भैया, हमारे बीच में कोई दीवार नहीं बन सकता। अगर कोई दीवार बना तो उस दीवार को मैं तोड़ दूंगा। सूरज, इन दीवारों की ऊंचाई, यहां पर बिछे हुए कालीनों की चमक, ये शान और शौकत इस बात की गवाह है कि आज भी इस खानदान का वकार पहले की तरह कायम है और सदा कायम रहेगा। दादी मां आप नाहक परेशान हो रही हैं। तुम्हारा ये दिन रात घर से बाहर रहना, छोटे लोगों के साथ उछल कूद करना एक ऐसे चिराग की लौ बनती जा रही है जो घर में रहकर घर ही को जला देती है। दादी माँ इस खानदान का रुतबा, शान शौकत, इज्जत सदियों से समाज के आसमान पर सूरज बनकर चमक रहा है। अगर उस सूरज के सामने इस सूरज ने अपनी आजादी का चिराग जला भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? सूरज हमने फैसला कर लिया है कि आज से ना हम तुम्हें रोकेंगे ना टोकेंगे। ओ दादी माँ, बांध के रखेंगे। क्या मतलब? हमने तुम्हारी शादी प्रीत से तय कर दी है। उसका सौतेला भाई कुलदीप कौशल चाहे रेस में सब कुछ गंवा चुका है लेकिन खानदान बराबरी का है और लड़की हमें पसंद है। कल तुम्हारी मंगनी होगी और 10 दिन के बाद शादी। दादी माँ, आइए आइए, तशरीफ लाइए। इस खानदान के दीवान की हैसियत से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस महल का फैमिली डॉक्टर हूँ, आइए। ये रजवाड़े लोग भी अजीब इंसान होते हैं, सोने चांदी को कंकर पत्थर समझते। मंगनी में इतना दिया तो शादी में कितना देंगे? हम तो खजांची हैं, पर माल चाहे किसी का भी हो दोनों हाथों से लुटाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ ले जाओ भाई, ले जाओ, लुटाओ लुटाओ। नमस्ते राजमाता जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते।
राजकुमार अपने कमरे में नहीं है। अरे ये क्या हुआ? हद तेरी की, आसमान से गिरे खजूर में अटके। अब क्या होगा? अब अरे ऊपर क्या देख रहा है? लगता है शनि की दशा बदल गई, लेकिन फिकर नॉट, अब ये अंगूठा काम करेगा। क्या मतलब? बता रहा हूँ, तू बैग संभाल। के सब ऐसे जा रहे हैं जैसे पीछे मौत पड़ी हो। तेरे अंगूठे से काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? बड़ों ने कहा है जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल करो। अच्छा अच्छा, अबे वो गधे इधर आ। क्या है वो? देख बस आ रही है। अरे नहीं नहीं, Oh my God, क्या हुआ अन्नू? क्या हुआ? अरे बाहर आओ। अरे ये क्या हो गया? चल, अरे हम क्या कर रहे हैं हम? क्या हुआ? मेरा दोस्त एक्सीडेंट हो गया। जल्दी से अस्पताल पहुंचाइए वरना ये बेचारा यही दम तोड़ देगा। कुछ चलो बस ले चलो। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो ले चलो। आराम से, धीरे से। अरे सबकी सब कहां जा रही हो? इस बेचारी मोटरसाइकिल को भी उठाना है। दो तीन यहाँ आ जाओ जल्दी। हाँ आइए। बेचारा बेहोश है। सीरियस एक्सीडेंट है? ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर ही नहीं आती। अब क्या बताऊं, अंदरूनी चोट लगी है ना। लेकिन इसे चोट लगी कहाँ है? अब मैं आप सब लोगों के सामने कैसे बताऊं कि इन्हें कहाँ चोट लगी है? क्या मतलब? मतलब आप खुद ही देख लीजिए ना, यहाँ यहाँ चोट लगी है। लगता है होश आ रहा है। देखिए दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। मुझे तो धड़कन ज्यादा तेज नहीं मालूम हो रही। नहीं नहीं, मेरा हार्ट फेल हो रहा है क्या? हाँ? क्या मैं मर रहा हूँ? जरा कान लगा कर सुनिए ना। हाँ। कान लगा कर सुनाई दे रहा है? नहीं। मुझे तो बहुत आराम लग रहा है, ऐसी लगी रही है बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। यू स्काउंडल, यू चीट, यू मुझे धक्का मत दे। गेट आउट, चलो जाओ। मियो चलो, बस रुको। चलो मैं मार दे मत दीजिए। आउच, देखिए प्लीज। तू भी निकल बाहर मोटे चीट्स कहीं के। चलो ड्राइवर बस चलाओ। अरे मगर सुनिए तो। बाय। वाह दोस्त वाह, क्या टेढ़ी उंगली से घी निकला है तूने। वाह, लेकिन क्या हुस्न था, क्या शबाब था। अगर इस हसीना के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हो जाए मैं तो राजमहल तक छोड़ दूंगा। बहुत अच्छा ख्याल है। पैदल चले। अरे वाह रे मेरे राजकुमार, तैयार होने में इतनी तेजी। अरे मैंने कहा आईना छोड़ो और जरा बाहर भी झांको, हो सकता है मंगल की दशा किसी महिला के दर्शन करा दे। ये ताका झाकी तू कर दोस्त। काश कोई हसीना हमें भी मिल जाए। दीवान साहब मेरे बाप। अरे बाप रे, भागो भागो। अरे भाई वेटर। जी जी। 419 कहाँ है? जी वो 419, 420 के एक पहले। 420 के एक पहले, जरा पकड़ना। अरे भाई वेटर, 419 कहाँ है? 419 कमरा, 418 के एक बाद दीवान जी। अरे अरे ये तो नंदलाल था और राजकुमार भी। आओ आओ जल्दी। माफ कर दीजिए। माफ क्या करूं, चमेली की कमर तोड़ दी। पैसा निकालो, मरम पट्टी का पैसा। हमारे पास पैसा मेरा भाई, पैसा तो मेरे पास है नहीं। ये ले टोपी और ये ले कोट और हमारा पीछा छोड़। चल भाई भाई, पहले पहले पकड़ लिया। आप कहां जा रहे? जाना कहां है? चलो आपके साथ। आज शर्म करो, बुढ़ापे में लड़कियों को छेड़ते हो। क्या कर रहे हो तुम? अरे लड़कियों को छेड़ने की आदत है तुम्हें। आदत नहीं मुझे छेड़छाड़ की, जाने दो मुझे। छोड़ूंगी। अबे भाग मोटा भाग, चलना। चल
एंड जेंटलमैन, आपका चहेता डांसिंग स्टार राजेश आपके लिए लाया है चैलेंज। आप लोगों में से जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहे वो स्टेज पे आ सकता है। ये तो वही चीट। अरे गुरु, तुम क्या चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? तुम तो स्टेज पे आते ही गिर पड़े। अरे गिरा कौन है, गिरा कौन है? अजी हमारे हीरो का तो स्टेज पे आने का स्टाइल ही है, अभी तो सिर्फ घुटनों के बल गिरे हैं, पिछली बार तो सर के बल गिरे थे। क्यों? और सड़क पे बेचारे पीठ के बल गिरे थे। अजी आपको शायद मालूम नहीं, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग। वाह शह सवार साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको चैलेंज मंजूर है। हाँ मंजूर है, अरे मंजूर है, चैलेंज मंजूर है। हाँ बा, लेकिन एक शर्त पर। ये फूल जिस हसीना के बदन को चुमेगा उसे इस डांस में मेरा पार्टनर बनना होगा। ये तो बस वाली है। मिस प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। नहीं मैं, अरे जाना हम सबकी ना कटवाएगी क्या? नहीं जाना, शर्माइए नहीं, आ जाइए प्लीज। अरे जाना, सबको दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा, कसम से रंग महफिल का मैं जमा दूंगा, कि मेरी चीज क्या हूँ ये सबको दिखा दूंगा, सबको दिखा। जब जब, जब मैं नाचूं तो किरने भी फिरका करे, दरिया में सागर में लहरें भी नाचा करे। हाँ जब जब मैं नाचूं तो नाचे हजारों के दिल, जब जब मैं नाचूं तो नाचे सितारों के दिल।
संग हो हसीना तो महफिल मेरे हाथ है, संग हो जवानी तो दुनिया मेरे साथ है। दोस्त जो है वो भी तो बहुत अच्छा लगा, समझती क्या तुम है? बाय बाय बाय, सी यू सून। क्यों बे, लाइन मार रहा है? अरे लाइन नहीं मार रहा हूँ दोस्त, तेरी लाइन क्लियर कर रहा हूँ। क्या मतलब? सब पता लगा लिया है। क्या? उस बस वाली का नाम है अनुप्रिया, वो अपने कॉलेज की सहेलियों के साथ टूर पर आई है, पहलगाम होटल में ठहरी है और कल स्कीइंग कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही है। आज के कंपटीशन में तुमने कमाल कर दिया सूरज, जनता के दिल लूटना तुम्हें आता है और उनकी जेब लूटना मुझे आता है। ये लो एडवांस। कैसा एडवांस? ओफो, आज से राजेश की जगह तुम हमारे स्टार हो, कम ऑन टेक इट। थैंक यू। क्या बात करते हैं, अंगूठी भी तो छुड़ा ली है हमको। सुनो तो सही, अगले हफ्ते 3 तारीख को मेरी लाइफ के सब बड़े प्रोग्राम के हीरो तुम हो। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारे हाथ की रेखाओं में अपने प्यार की रेखा देखना चाहता हूँ। प्यार? तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारे हाथ की रेखाओं में अपने प्यार की रेखा देखना चाहता हूँ। प्यार? तुम पागल हो गए हो क्या? थैंक यू। ऑटोग्राफ प्लीज। सोच क्या रहे हैं, ऑटोग्राफ दीजिए। ऑटोग्राफ हाथ पर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, अपनी किस्मत की रेखाओं पर आपके दस्तखत चाहती हूँ। आपका दिया हुआ ऑटोग्राफ अब भी मेरे हाथ पर है और मैं इसे कभी नहीं मिटाऊंगी। अगर ये बात है तो मुझे भी एक ऑटोग्राफ दे दो। मेरा ऑटोग्राफ?
मैं अमेरिका जा रहा हूँ। हमारा म्यूजिकल टूर फाइनल हो गया है। अमेरिका? कितने दिन के लिए? सिर्फ 2 महीने के लिए। 2 महीने? ओह नो। तुम मेरा इंतजार करोगे आखिरी सांस तक। मैं चाहूं भी तो तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। I love you. कौन? मैं राजेश। राजेश? Just a minute. तो आप हैं राजेश द स्टार? मैं अंदर आ सकता हूं? आइए। दरवाजा खुला रहने दीजिए प्लीज। कहिए। क्या कहूं, तुम तो ऐसे बेहोश हो जैसे जानते ही नहीं। तो और क्या करूं, एक ही मुलाकात के बाद आपके गले में बाहें डाल के नाचूं? क्या हो गया है तुम्हें, जिस मुलाकात ने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया उसे तुम सिर्फ एक मुलाकात कहते हो? लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मेरी आंखों में देखो, मैं वही हूं जो पहली मुलाकात में तुमसे मर मिटा था। ओह आई सी, दास्ताने इश्क और शराब का नशा। दीवाना हूं तुम्हारा। देखिए मिस्टर राजेश, आप स्टार हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप नशे में हैं, इसलिए प्लीज आप यहां से चले जाइए। कहां जाऊं, सांस में बस चुकी हो तुम, तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम्हें भूल नहीं सकता, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर ये मजाक है तो हद से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इससे पहले कि मैं होटल स्टाफ को बुलाऊं चले जाओ यहाँ से। नहीं, जब तक तुम मेरे प्यार का इकरार नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। Get out from here. तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का कुछ नहीं छीना। इस शख्स ने मेरा करियर तबाह करने की कोशिश की, मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा। 4, 3, 2, 1, GO!
क्या देख रही हैं आप? अगर ये सच ना होता कि मुझे बचाने में तुम्हारी जान भी जा सकती थी तो मैं यही सोचती कि ये भी तुम्हारा कोई ढोंग है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर मेरी जिंदगी मौत की तरफ जा रही है। मैंने आपको नहीं बचाया तो मैंने अपनी जिंदगी को बचाया। अपनी एक जिंदगी को बचाने के लिए दूसरी को खतरे में डाल दिया। अजय छोड़िए, दूसरी की परवाह कौन करता है, हम तो पहली के पुजारी हैं। रात ख्वाबों में, कल का दिन ख्यालों में और परसों सचमुच। ये सचमुच बहुत दूर है, इसे नजदीक लाना पड़ेगा। कल संडे है, मुझे अपने भाई से मिलने जाना है, वो यहीं हॉस्टल में पढ़ता है। फिर तो तुम्हारे भाई की किस्मत में उसकी बहन के साथ साथ उसके बहनों से भी मुलाकात लिखी हुई है। ठीक है तो फिर कल। ये हुई ना कल। पता चल गया है प्रीत। क्या? वो इस वक्त पहलगाम में है। सच भैया? जॉकी अगर तुम्हारे जैसा हो तो कोई भी घोड़ा कभी भी रेस नहीं हार सकता। जैकपॉट तो हम ही जीतेंगे। कम लेट्स गो।
प्रिय आंटी, खत लिखने में देर इसलिए हो गई कि बहुत सोच विचार के बाद लिख रही हूँ। मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल ठीक होंगी ऐसी कामना करती हूँ। इस खत के साथ एक तस्वीर भेज रही हूँ, इसे गौर से देखिए। देख लिया? ऐसा है, आपको जैसा भी लगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल की बात है, ज्यादा लंबी नहीं करूंगी, आप समझ जाइए। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और कल हम दोनों जीतू से मिलने हॉस्टल जा रहे हैं। जीतू! दीदी! दीदी! दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देर इनकी वजह से हुई है। बिल्कुल, क्योंकि हम आपके लिए खिलौने खरीद रहे थे। आप कौन हो? अब ये बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, तुम बता दो ना। दीदी कौन है ये? ये बताते हुए मुझे भी शर्म आती है, तुम बताओ ना। तुम बताओ ना। तुम बताओ ना। अरे तुम 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 साइलेंस। मैं बताता हूँ, ये तुम्हारे साथ आए हैं, मेरे लिए रिश्वत लाए हैं। इसका मतलब हुआ जीजाजी और जीजाजी, होने वाले जीजाजी। फिर आपको मंजूर है ना? नो। क्यों? मैं इसके इजाजत नहीं दूंगा। पर क्यों नहीं दोगे? मेरी कुछ शर्तें हैं। फरमाइए। दीदी के लिए खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाबरची बन जाऊंगा। दीदी के कपड़े धोने पड़ेंगे। चीतू, अरे अरे, दीदी के लिए तो मैं क्या बताऊँ, मैं धोबी भी बन जाऊंगा। मेरे लिए घोड़ा बनना पड़ेगा। अजी घोड़ा क्या साहब, तुम्हारे लिए तो मैं गधा भी बन जाऊंगा। मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, इस खुशी में आप दोनों पप्पी दो। नहीं नहीं, ओ, 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 ओके बाय। अरे अन्नू, तू कहाँ चली गई थी? मैं वो अपने भाई जीतू को देखने गई थी। तुम तो अपने भाई को देखने गई थी, पर ये किसे देखने गए थे? ये अन्नू को देखने गए थे। फिर तो बड़े करीब से देखा होगा इन्होंने अन्नू को। अजी करीब से क्या, ठोक बजा कर देखा है। वैसे माशाल्लाह आपका साइज भी बुरा नहीं, कहीं तो आपको भी नाप लूं। अरे अन्नू चलो, ये तो कोई इंटरनेशनल टेलर मालूम पड़ता है। चलो। हाँ, चलो, अरे चलो। सुनो सुनो, फिर कब मिलोगी? अरे जाइए जाइए, आज से आपकी मुक्ति, क्योंकि कल हम लोग मुक्ता महल देखने जा रहे हैं। मुक्ता महल जरूर देखिए, ऐसा महल आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तो फिर इन्हें ही क्यों ना अपने साथ ले चले? नहीं, हाँ। नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों, तुम वहाँ से भागे हुए हो? जी जी, वो क्या है कि मेरा शो है ना, अगर शो बैठ गया तो धर्मपाल जी खड़े हो जाएंगे। आप अन्नू के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे अन्नू के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं मुक्ता महल जा नहीं सकता। तुम बताओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, मनु अनु ऐसा नहीं करना। तो फिर तुम्हें चलना पड़ेगा। चलना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कल सुबह आप लोग महल पहुंचिए, मैं कुछ चक्कर चलाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी कारण से आज सूरज नहीं आ पाया, इसलिए आज का शो नहीं हो सकेगा। सूरज के ना आने की वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया है, मैं इसे जेल भिजवा, कहां भिजवा दूंगा? जेल। हाँ ठीक, तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ सलून चलो जाओ। अरे आपने हमारी बस क्यों रोकी? आप लोग सूरज से मिलने आए हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं उस कमबख्त नामुराद नालायक का नाना हूँ, किसी वजह से सूरज यहाँ आ नहीं सका। ओहो, लेकिन उसने तो हमें यहाँ बुलाया था। क्यों बुलाया था, किस लिए बुलाया था? अरे इस उम्र में मैं इतनी सारी लड़कियों का क्या करूँगा? जी नहीं, उसने हमें मुक्ता महल दिखाने के लिए बुलाया। मुक्ता महल? इस वक्त हम मुक्ता महल जा नहीं सकते क्योंकि दादी माँ सो रही है। आपकी दादी माँ? जी हाँ, मेरी दादी माँ नहीं, मेरा मतलब जगत दादी माँ, जगत दादी माँ सो रही हैं। ऐसा करते हैं, आप लोग महल बाद में देख लीजिए, चलिए आप लोगों को मैं पैलेस गार्डन दिखा कर लाता हूँ। मोहतरमा
ये रहा हमारा पैलेस गार्डन, कैसा लगा? बड़े मियाँ, लगता है जवानी में आपका मिजाज बहुत ही रंगीन रहा होगा। अरे मोहतरमा, रंगीन या मिजाज का ताल्लुक उम्र से नहीं, दिल से होता है, दिल से। अगर बुढ़ापे में आपका ये हाल है तो जवानी में तो आप बहुत ही ठरकी रहे होंगे। अरे सिर्फ ठरकी मोहतरमा, कहिए खानदानी ठरकी खानदानी। अरे आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म बुढ़ापा मोहतरमा, उम्र 80 साल की हुई तो क्या हुआ, लेकिन दिल अभी तक ओलंपिक 88 है। जरा टकरा कर देखिए ना, टकराइए ना। थरकी भा, लेट्स गो। अरे साड़िए, रंगीन नजारों का मौसम, कहता है जानम प्यार कर ले, बुढ़ापे को छोड़ सुने ना चार कर ले, बुढ़ापे को छोड़ तू आके प्यार कर ले। पता ही है
अरे कमर मेरी कमजोर है ये कह के मुझे चिढ़ाती है। ये ले फेंका झंडा अब गाड़ूंगा झंडा। कैसे करता है पुट्ठा कमाल देखो। वन टू वन टू थ्री फोर दादीमा। जहां तक तुम्हारी नजर देख सकती है वो सब इस खानदान का है जिसकी सीमाओं को तुम तोड़ना चाहते हो। सूरज, हम अगर चाहें तो तुम पर ऐसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं कि तुम महल के बाहर एक कदम भी ना रख सको। दादीमा, आपके हुक्म पर मेरी आजादी को फांसी हो सकती है पर मेरा प्यार। प्यार? हाँ दादीमा, मैं एक भोली भाली गरीब लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। जो इस खानदान में कभी नहीं हो सकता वही करने का सपना देख रहे हो तुम। दादी माँ, आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी बुराई है? बुराई तुम्हारे प्यार में नहीं, तुम्हारी पसंद में है सूरज। तुम्हारी पसंद इतनी नीची है कि जिस ऊंचाई पर तुम खड़े हो वहाँ से गर्दन झुका कर देखने पर भी तुम्हारा प्यार दिखाई नहीं देगा। दादी माँ, दिल महलों की दीवारों में नहीं इंसान के शरीर में होता है और शरीर चाहे महल में पला हो या झोपड़ों में, दिल पर सोने चांदी का रंग चढ़ने नहीं देता। सूरज, जिस पत्थर की पूजा होती है वो भगवान होता है और जिसकी पूजा नहीं होती वो रास्ते में पड़ा ठोकरे खाता है। फर्क पत्थर में नहीं, पूजा और ठोकर में है। हम लोग पूजा की नहीं प्यार की बात कर रहे दादी माँ, और प्यार पत्थरों में नहीं इंसान के सीने में होता है। मैं तुम्हें इस शादी की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? 30 साल पहले तुम्हारे पिता ने भी ऐसी ही भूल की थी। वो अपनी प्रेमिका मंदिर में शादी करने गया था। गरुणध्वजम् मंगलम् पुण्डरीकाक्षम् मंगलायतनोहरि मंगलम् सर्वदेवानां भूमिभूपति मंगलम् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो सर्वे धन धान्य सुतान्य च मनुष्य। पिताजी, आप जिस इलाके में हवाएं भी हमसे पूछकर अपना रुख बदलती हों वहां तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला करने की हिम्मत कैसे की? पिताजी, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी शादी महाराज सुखदेव चंद्र की बेटी से तय हो चुकी है, तुम इस मामूली लड़की से शादी कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप मुझे इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इस जुर्म की सजा क्या है। महाराज, प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं है। मगर हमारे बनाए हुए उसूलों को तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। चलो हमारे साथ। पिताजी, मैं हमने कहा चलो हमारे साथ। राजकुमार, अगर तुम्हें इस लड़की की जान प्यारी है तो चलो हमारे साथ। राजकुमार, इस लड़की की आवाज महल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। राजकुमार, राजकुमार,
फिर तुम्हारी माँ इस महल में दुल्हन बनकर आई। तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ का कत्ल कर दिया गया। तुम्हारी माँ का कत्ल किसने किया था इसका आज तक कुछ पता नहीं चला। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दादाजी के बनाए हुए उसूलों को तोड़ा जाए। दादी माँ, मेरी रगों में भी दादाजी का ही खून है और मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैं इस महल को दोबारा किसी के खून से रंगने नहीं दूंगा। एक मासूम लड़की को मौत की गोद में धकेल कर दादाजी ने इस खानदान का जो कुछ भी जिंदा रखा है, मेरी नजरों में वो सब सच्चे प्यार की एक सास से भी ज्यादा सस्ता है। सूरज, दादी मां, शादी तो मैं अनु से ही करूंगा और आपका आशीर्वाद ना मिलने पर जीऊंगा भी नहीं, और मेरी मौत के साथ साथ मेरी अनु भी मर जाएगी। फिर आपकी इस गर्दन को खानदान के साथ साथ दो मासूम इंसानों की मौत का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतना मजबूर करोगे हमें? इस मजबूरी के लिए आपने मजबूर किया है मुझे। राजमाता और दादी मां के बीच अगर एक मां को खत्म करना है तो मैं राजमाता का गला घोटती हूं। ले आओ उस लड़की को। तो तुमने मुझसे असलियत क्यों छुपाई? दादी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए विलायत भेजा था। मेरे लौटने पर इस महल में मुझे घुटन होती थी, इसलिए मैं भाग खड़ा हुआ। लेकिन असलियत को मैं छुपाना नहीं, भुलाना चाहता था। तुमसे मिलकर तुम्हें पाकर मैं भूल गया था। बुजुर्गों की बातों में जहां सख्ती होती है वहां नरमी भी होती है। अदी मां मान गई है अनु। सच? उन्हें तुम्हें कल सुबह महल बुलाया है। दूर के सीन को नजदीक देखकर क्या समझी प्रीत? जो देखा उसमें समझने लायक कुछ नहीं बचा। लक्ष्मी के भंडार पे सांपों का पहरा देख के डरा नहीं करते प्रीत। ये फ्लूक घोड़ी है और तुम फेवरेट, तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। भैया, ना तो जिंदगी रेस का मैदान है और ना हम घोड़े घोड़ियां, और ना ही मकसद हार जीत है। तो फिर क्या मकसद है? कब्जा दिल पर, घर पर, मिल्कियत पर। आपने भी मुझे किसे तलाश करने भेज दिया? वो तो इस इलाके का राजकुमार है। राजकुमार? जी हाँ, वो आपका लाखों का नुकसान मिनटों में चुका सकता है। लेकिन सूरज के शो में ना आने का कारण उसका राजकुमार होना नहीं है। तब फिर? उसके शो में ना आने का कारण है ये लड़की। ये लड़की पिकनिक के लिए यहाँ आई है और प्रणाम होटल में ठहरी है। तुम जाओ। हमारे शो से शुरू हुआ प्यार हमारे ही धंधे को बर्बाद करेगा। धर्मपाल ऐसा होने नहीं देगा। मिस अनुप्रिया कौन से रूम में है? रूम नंबर 105, दैट वे फर्स्ट फ्लोर।
तुम्हारा भाई जीतू हॉस्टल से किडनैप कर लिया गया। क्या? मगर आंटी हमारे पास ऐसा क्या है जो जीतू को किडनैप करके हासिल किया जा सकता है? कौन है वो लोग आंटी? अब मैं क्या जानू बेटी, 3 बार उन लोगों का फोन आ चुका है और हर बार यही पूछते हैं कि अन्नू, शायद उन्हीं लोगों का फोन है। हेलो नो आया नहीं वो आप कौन बोल रहे हैं? बोलना अन्नू से है, वो है या नहीं, वो है या नहीं, जल्दी बोलो। हाँ है, बोलिए। तुम्हारा भाई जीतू इस वक्त हमारे पास है। कहाँ है वो? लो बात करो। दीदी जीतू, जीतू तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? मुझे नहीं पता दीदी, ये लोग ज्यादा कहते हैं वैसा करो, नहीं तो ये मुझे जान से मार डालेंगे। नहीं, नहीं जीतू तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पर कोई हाथ नहीं आ सकती। ये लोग क्या चाहते हैं जीतू? दीदी मुझे नहीं पता दीदी। अगर तुम अपने प्यारे भाई की जिंदगी चाहती हो तो शाम को 7 बजे तिलक बाग के पीछे आ जाओ। हेलो 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 हेलो, ये लोग क्या कहते हैं बेटी? पता नहीं आंटी, लेकिन जीतू की जान मैं अपनी जान देकर भी बचाऊंगी। आ गए तुम? मेरा भाई किधर है? भगवान के लिए मेरे भाई को छोड़ दीजिए, चाहे मेरी जान ले लीजिए। तुम्हारा भाई तुम्हें तब मिलेगा जब हमें 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। 50 लाख रुपए? मुझ पे तरस खाइए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, हम लोग बहुत गरीब हैं, इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? राजकुमार देगा तुम्हें। नहीं, मैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जींग रियासत का राजकुमार बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे रूप का पुजारी है वो, तुम्हारा आशिक है। अशोक की आंख में आंसू देखकर आशिक तो जान दे दिया करते हैं, रुपया क्या चीज है। जाओ अपनी दर्द भरी कहानी सुनाकर राजकुमार से 50 लाख रुपया लेकर आओ। रुपया लेकर कब और कहां आना है नीचे पड़ी चिट्ठी में लिखा है। राजकुमार, अनु मैं तुम्हारे होटल गया था, तुम रात को किसी के साथ कहाँ चली गई थी? मेरे पास किसी बात का जवाब देने का वक्त नहीं है, मेरे भाई की जान खतरे में है, मुझे मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? कुछ गुंडे उसे हॉस्टल से उठा के ले गए और 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। माफ कीजिएगा राजकुमार जी, ये कुछ मनगढ़ंत सी कहानी लगती है। इतनी रकम मांगना और इतनी रकम देना दोनों पागलपन की निशानियां हैं। खजांची सूरज, तुम्हें इसकी बात का विश्वास है? दादी माँ, 50 लाख रुपए आपकी नजरों में शायद छोटे से जीतू की जिंदगी से ज्यादा कीमती है, मगर मेरी नजरों में अनु की आंखों से गिरने वाला एक आंसू इस खानदान की सारी जायदाद से ज्यादा कीमती है। खजांची आप रुपए लेकर आइए। लेकिन राजमाता जी, इतना सारा पैसा और वो भी कैश? आप रुपए लेकर आइए। जी जी। अनु मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, देख लूंगा हरामजादों को। पुराने पुल पर 50 लाख रुपए लेकर आओ, अगर किसी को साथ लाई तो जीतू की जान से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर रुपया नहीं लाई तो भी तुम्हारा भाई मारा जाएगा। मैं जीतू को लेकर सीधा यहीं पर वापस आऊंगी।
बैग को नीचे रख दो। मेरा भाई कहाँ है? अपने बाएं तरफ देखो। दीदी, जीतू, बैग खोलो। अब बैग नीचे रख के यहाँ से 20 कदम पीछे हट जाओ। नहीं, जब तक मेरा भाई मुझे नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। हमें हुक्म है जब तक पैसे हरे हाथ ना आए भाई तुम्हें नहीं मिलेगा। बैग नीचे रख दो। पहले मेरे भाई को छोड़ दो। बैग नीचे रख दो वरना गोली मार दूंगा। दीदी भागो। जाना चाहिए था। लगता है जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होगी। पुराने पुल पर चलें। चल चलो। पोस्टमार्टम के मुताबिक अन्नू की मौत 4 गोलियां लगने से हुई है और वो चारों गोलियां अलग अलग रिवॉल्वर से चली है। इसका मतलब कातिल एक नहीं 4 है।
चारों कातिलों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दीक्षा रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। उसके ख्यालों में खोए रहोगे क्या प्रीत? यह सच है कि अनु के जिस्म से चार गोलियां निकली। यह भी सच है कि मैंने अपने हाथों से उसकी चिता को आग लगाई। मगर यह भी सच है कि चिता को आग लगाने के बाद मैंने अनु को देखा है। मर के कोई जिंदा नहीं होता बेटा। आपकी नजर को धोखा भी तो हो सकता है। ठीक है, मगर हमें यह सोचना चाहिए कि अन्नू के कातिल कौन लोग हैं। कत्ल जिस किसी ने भी किया हो सोच समझ के किया होगा, आसानी से हाथ नहीं आएगा। धर्मपाल जी आप? जी मैं। कत्ल की खबर आग की तरह फैलती है तो सुनते ही चला आया। सोचा यूं भी डांस कंपनी बंद होने से कोई नया फ्रंट तो खोलना ही पड़ेगा, क्यों ना राजकुमार जी के साथ रहकर उनकी सेवा की जाए। आइडिया अच्छा है। थैंक यू। हाँ, राजकुमार जी सुना है इस ड्रामे का एक किरदार छोटा बच्चा भी है। हाँ, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। खाना चाहिए? ले खा। तुझे रोटी चाहिए? तू बता दे वो नोटों से भरा हुआ बैग कहाँ है। मुझे खाना मत दो, मुझे कुछ मत दो, मुझे मेरी दीदी के पास ले चलो। तेरी दीदी को तो हम मार ही चुके हैं। क्या? अगर तूने हमें बैग के बारे में नहीं बताया तो हम तुझे भी मार देंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ इंस्पेक्टर, मेरी चित्तू का पता लगाइए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बदमाश मेरी भतीजी की तरह चित्तू को भी मार डाले। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुलजिम पुलिस के सामने है। बाय द वे मिस किरण, जिस वक्त आपकी भतीजी का कत्ल हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैं तो घर पर थी। आप घर पर नहीं थी? याद आया, मैं अपनी भतीजी की तलाश में गई थी। तो वो आपको मिली? नहीं, मुझे तो उसके बारे में उस वक्त पता चला जब उसकी लाश भी चला दी गई थी। इतना बड़ा हादसा हुआ और आपने पुलिस को इतला तक नहीं दी, इसका मतलब आप पुलिस से कुछ छुपा रही। आप मुझ पर शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर, मैं उनकी सगी आंटी हूँ, मैंने माँ बनकर पाला है उन्हें। डोंट गेट एक्साइटेड। ठीक है, आप जा सकती हैं। जीतू का पता मिलने पर आपको खबर दे दी जाएगी। मिस किरण जी, आप घबराहट में अपना पर्स भी। ये रिवॉल्वर?
मैं अपनी हिफाजत के लिए साथ में रखती हूँ। मेरे पास लाइसेंस भी है। लीजिए। थैंक यू। आज मैं पुलिस स्टेशन गई थी। लगता है इंस्पेक्टर सिंह को मुझ पर शक हो गया है। घबराइए नहीं, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन अंजाम ठीक ही होगा। ठहरिए, मैं जरा बाहर देख लूं, कोई है तो नहीं। तू क्या कर रहा है यहाँ? ये मेरी प्रेमिका की चिता है। राजेश, ये क्या हुलिया बना रखा है? पागल लग रहे हो तुम। लग नहीं रहा हूं, पागल हूं। मैं पागल हूं? इसने प्रेम में धोखा दिया, वक्त ने सपने दिखा के धोखा दिया, तकदीर ने उम्मीदें जगा कर धोखा दिया। हाँ, एक साथी है मेरे पास, देखेगा? पिएगा? ले, ले। नहीं, मैं तुझको नहीं दूंगा। तूने मेरा नाच गाना बंद किया, मैं तुझको नहीं। तूने मेरा नाच गाना बंद किया और इसकी बेरुखी ने मेरा सब कुछ बंद कर दिया। किसकी बेरुखी? वही जो मिलकर नहीं मिली। तू भी उसे ढूंढ रहा है ना? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, चिंगारी ढूंढ रहा है। नहीं मिलेगी। हाँ, बुझे हुए दिए में रोशनी ढूंढ रहा है। अच्छा, लेकिन मैं यहां नहीं ढूंढूंगा। हाँ, मैं इस बुझे हुए दिए में नहीं ढूंढूंगा कुछ। मुझे तो उनकी तलाश है जिन्होंने इस दिए बुझा दिया है। राजेश, राजेश, तुम जानते हो उन्हें? हाँ, सबको जानता हूं, मरने वाली को भी और मारने वालों का भी। राजेश, पता मैं खुद लगाऊंगा। राजेश, तू मेरे रास्ते में नहीं आएगा, तू मेरे रास्ते में नहीं आएगा। इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। हाँ, इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा।
ना जाने इतनी रात गए कहाँ चला गया ये पागल। घबराइए मत राजमाता जी, राजकुमार यहीं कहीं होंगे। कातिल हो तुम? अन्नू का खून तुमने किया है? नहीं, मैं उसके कातिलों का कत्ल करके कातिल बनूंगा। तो अन्नू के कातिल हैं कहाँ? यही है। कहाँ? अभी बताता हूँ। कोई भी हो सकता है, तुम उसका कत्ल किया था। तुम सेठ धर्मपाल तुम खूनी हो, तुमने मेरी उम्मीदों का खून किया है, कत्ल किया। तुम पागल हो गए? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन कातिल मुझसे बच नहीं पाएगा। कातिल मुझसे, वो दिन भी आएगा, जरूर आएगा, कातिलों के चेहरों से नकाब उठेगा। उस दिन मैं उनके सर धड़ से अलग कर दूंगा। उस दिन का इंतजार तुम लोग भी करो, मैं भी करूंगा। हाँ, खून का हिसाब होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। अरे बेटे, किसकी तलाश करें आप लोग? तुम्हारी बेटे, इतनी रात गए जंगल में अकेले क्या कर रहे हो तुम? आप लोगों ने ताने की आवाज तो सुनी? जी हाँ सुनी। अब यकीन आया? वहम पे यकीन कौन करेगा राजकुमार? वहम आप लोगों को हुआ है, मुझे नहीं। मेरी अनु की आत्मा मुझसे मिलने आती है और आती रहेगी। अच्छा अच्छा, अब चलो आओ। आई आई हेलो रीत, मैं कुलदीप कौशल बोल रहा हूँ। बोलो भैया। अब तुम्हारा महल में रहना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि पता चल गया है कि कातिल महल में ही है। क्या कहा? पता चल गया है कि कातिल महल में है? भैया मैं तुमसे मिलने झील पर आती हूँ, वहीं पर सारी बातें करेंगे। वो सब पता चल गया है, तुर्मनों का घोड़ा फोटो फिनिश में मार खा गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अन्नू के कातिलों का पता चल गया है। सच? हाँ,
अन्नू का कत्ल करवाया गया था। किसने करवाया? उसी लड़की के सगे वालों ने जिससे सूरज के पिता शादी करना चाहते थे। कौन है वो सगे वाले? उन लोगों के नाम भैया लोगों भैया आप गोली आपने चला क्या मतलब? मेरे भाई को किसी ने गोली मार दी है। हाँ प्रीत, सूरज मेरे भैया को किसी ने गोली मार दी। सुन लिया मैंने, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? मैं अपने भतीजे जीतू को तलाश कर रही हूँ। रिवॉल्वर लेकर? हाँ, जहाँ चारों तरफ मौत मंडला रही हो वहाँ हर किसी को अपनी हिफाजत की। वेल सेड मैडम, वेल सेड, वेल सेड। अदालत में जाके हर मुजरिम यही कहता है कि मैंने हथियार अपनी हिफाजत के लिए रखा था। डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मौत की नहीं बल्कि जिंदगी देने वाले जड़ी बूटियों की तलाश कर रहा था। गोली की आवाज सुनी तो चला आया। कहाँ है तुम्हारा भाई? उस तरफ। चलो। यहाँ मेरे भाई की लाश कहाँ गई? लाश तो दूर रही, यहाँ तो खून का खतरा भी नजर नहीं आता। यकीन कीजिए मैं उसे यहीं छोड़कर गई थी। लाश को तलाश करना बेकार है। आप? हाँ, जानवर के शिकार के लिए निकला था मगर यहाँ तो किसी इंसान के शिकार का जिक्र हो रहा है। हाँ, प्रीत के भाई को किसी ने गोली मार दी। आवाज से तो ऐसा लगा कि गोली रिवॉल्वर से चली थी। जंगल के सन्नाटे में आवाज सुनकर ये बताना बहुत मुश्किल है कि गोली बंदूक से चली है या रिवॉल्वर से। गोली तो रिवॉल्वर से ही चली थी। मेरा सिक्का, मेरा सिक्का कहाँ गया? सतपाल जी, इस सिक्के को ढूंढ रहे हैं ना आप? मेरा सिक्का? आपको कहाँ मिला ये? जहाँ आपने खोया था। कमाल है, मैंने खोया और आपको मिल गया। इसका मतलब ये है कि खोई हुई चीजें भी मिल जाती हैं। सिर्फ आपकी, मेरी तो देखिए ना, अनु नहीं मिल रही है, जीतू नहीं मिल रहा, 50 लाख रुपए से भरा बैग वो भी नहीं मिल रहा। धीरज रखिए राजकुमार जी, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, या तो मिल जाएगा नहीं तो कुछ और खो जाएगा। कुछ और? और क्या खो सकता है? क्यों, जैसे आपका सिक्का खोया था वैसे मैं भी खो सकता हूँ, राजमाता खो सकती हैं और शायद अब भी खो जाए। मैं? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं खजांची जी, ऐसा लग रहा है कुछ कमीने बहुत ही खतरनाक खेल हमारे खानदान के साथ खेल रहे हैं। आपको कुछ आइडिया है कौन ऐसा कर रहा है? घंटी बज रही है खजांची जी, घंटी बज रही है। घंटी? हाँ, हेलो सतपाल जी, बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलो। फायदे की बात है, फौरन चले आओ। चलाऊं? कहाँ चलाऊं? अरे वही जहाँ तलाश जारी थी, कामयाब हो गए, बैग मिल गया, खोलने के लिए तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। सतपाल जी। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। आप इसे भूले जा रहे थे। हाँ,
आजकल जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। अकेली लड़की, लिफ्ट चाहिए क्या? आइए बैठिए। सीधे इतनी रात को इस वीराने में क्या कर रही हैं आप? आगे से दाएं लीजिए। जी जी रास्ते पर मिल गई हो, कम से कम अपना नाम तो बता दो। आगे से बाएं मोड़ लीजिए। मैं इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कहाँ रहती हैं आप? बस यहाँ आगे रोक दीजिए। यहाँ ये तो शमशान भूमि है। मैं यहीं रहती हूँ। जाओगे कहाँ? मुझे पहचाना नहीं? मैं अनु। नहीं, तुम अनु नहीं हो सकती हो। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें अपने हाथों से यहाँ जलाया है। तुम मर चुकी हो। हमने तुम्हें मार डाला है। मरता तो शरीर है, आत्मा कहाँ मरती है? देखता हूँ आत्मा कैसे नहीं मरती। लाख रुपए वाला बैग कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? इस बैग के बारे में कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम।
तुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम है? बच्चे को मालूम है। बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? सजाता बच्चा कहाँ है, बैग कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। बोल, तुझे बताना ही पड़ेगा कि बच्चा कहाँ है। मैं सच कहता हूँ, बच्चा कहाँ है मुझे नहीं मालूम। राजकुमार जी, सतपाल का अभी तक कोई पता नहीं चला, न जाने कहाँ चला गया। रात बहुत तूफान था, शायद कहीं रुक गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुलदीप कौशल की तरह सतपाल को भी किसी ने? उन्हें कौन मार सकता है राजकुमार? ये मफलर सतपाल का है क्या? ये आपको कहाँ मिला? मैं पहाड़ियों में जीतू को तलाश कर रही थी कि अचानक एक चट्टान पर ये मफलर पड़ा मिला। इसका मतलब सतपाल को किसी ने मार डाला? लेकिन ये सब हुआ कैसे और किसने मारा होगा सतपाल को? है क्या? तो हर तरफ मौत मंडरा रही है, पता नहीं कब किसकी जान चली जाए। अच्छा मैं चल रहा हूँ, क्लब में एक फंक्शन है ना। प्यारी बुढ़ियों और बूढ़ो, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, मेरा मतलब है बीते कल के नौजवानों, आज हम अपने क्लब के प्लेटिनम जुबली फंक्शन पर आपके सामने एक ऐसा तोहफा पेश करने जा रहे हैं जिसे देखकर बूढ़े जवान और जवान पहलवान बन जाते हैं। तो लीजिए, हाजिर है वो अनमोल तोहफा। प्यासी प्यासी रात है,
मेरा कोट। कमला, देर हो गई। I'm sorry कमला, क्लब चला गया था, वहीं फंस गया। जानती हो वहां क्या हुआ मेरे साथ? वो लड़की जिसे खैरू के साथ मिलकर हमने मारा था, जिसकी लाश को हमने चिता पर जलते हुए देखा था, वही लड़की मुझे वहां दिखाई दी। एक बार नहीं, कई बार। एक जगह नहीं, कई जगह। फिर मेरा कोट लेकर गायब हो गई। ये कोट मुझे कहां मिला जानती हो? जानती हूं। कहां? मेरी चिता पर। एक एक करके तुम सब जिस तरह तुम लोगों ने उस लड़की को बेरहमी से मारा है, उसी तरह आज मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगा। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तुझे उस लड़की पर दया आई थी? मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पर। बोल बच्चा कहाँ है? बताता हूँ, बताता हूँ। बताएगा? बता बच्चा कहाँ है, बता। बताता हूँ, बताता हूँ। वो काली पहाड़ी पर जो फार्म हाउस है, वो बच्चा उसमें बंद है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे रुपयों के बैग का कुछ बता नहीं, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी आंटी के पास ले जाएंगे। तुम्हारी आंटी ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। चलो हमारे साथ। नहीं, तुम मुझे मार डालो। शोर मत करो। बच्चे को लेके कहां जा रहे हो? छोड़ दो इसे। छोड़ कैसे दूं? बड़ी मुश्किल से तो मिला है ये। मैं कहता हूं छोड़ दो इसे। हराम खोरो, आज तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। Oh!
आगे को चितू बच्चे को छोड़ दे। हरामजादो, इस मासूम की आंखों से गिरने वाला एक एक आंसू आज तुम लोगों के जिस्म से खून बनकर बहेगा। इंजेक्शन दे दिया है, घबराने की कोई बात नहीं। दीदी, दीदी। जीतू बेटे आंखें खोलो, देखो तुम्हारी आंटी तुम्हारे पास है। हाँ आंटी, उन लोग ने दीदी को मार डाला। जीतू, कौन लोग जिन्होंने तुम्हारी दीदी को मारा है? हाँ अंकल, मैं उन्हें पहचानता हूँ, वो लोग। ठहरिए, जब तक पुलिस स्टेटमेंट नहीं ले लेती आप इस बच्चे से कुछ नहीं पूछ सकते। लेकिन इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं तो इसकी आंटी हूँ और मेरा इसके पास रहना बहुत जरूरी है, क्या मैं? ठीक है, आप यहाँ रुक सकती हैं, प्लीज आप जाइए। अब भी सूरज, बच्चा कैसा है? बच्चा होश में आ गया धर्मपाल जी, पुलिस स्टेटमेंट ले रही है। ओ, तब तो पुलिस अपने धर्म का पालन जरूर करेगी। सूरज, तुम? हाँ। और ये पुलिस? ये लोग बच्चे का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। तो वो? तो, ओह माय गॉड। हमें बताओगे ना कि बैग कहाँ पर है? हाँ पुलिस अंकल, मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप मुझे मारेंगे नहीं। Good. तो बताओ कहाँ है? वहाँ एक झरना है, बड़े बड़े पत्थर है, वहाँ गिरा था। झरना, पत्थर? मेरे ख्याल से ये संगम फॉल्स की बात कर रहा है, मगर इस वक्त तो वहाँ बर्फ पड़ी होगी। वही ले चलो। किसने जाल लगाया? सामने आओ। अरे ये तो वही पागल है जो कई रोज से इस इलाके में घूम रहा है। पागल होगा तुम्हारा बाप। पागलपन का ये खेल मैंने कातिलों तक पहुंचने के लिए रचाया था, ताकि इस साजिश में जो भी शामिल है उन्हें बेनकाब कर सकूं। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। तुम एक और हम छह, तुम हमारी मौत नहीं। हम तुम्हारी मौत हैं। तुम छह क्या, अगर 60 भी होते कमीनों, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। तुम्हारे साथियों ने मेरी प्रेमिका का खून किया है, तुम्हारे उन साथियों को उस खून का हिसाब चुकाना होगा। मैं कहता हूं छोड़ दो इसको, छोड़ दो इस बच्चे को, नहीं तो लोगों की चिताएं यही जला दूंगा। देखता हूं कौन किसकी चिता को जलाता है। तुम जैसे भाड़े के टट्टुओं से निपटने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। Oh!
जाए। आप कौन है अंकल? तुम्हारा मैं कोई नहीं लगता बेटी, जिसका मैं लगता था वो रही नहीं, वो रही नहीं। पुलिस आपको क्यों मार रही थी? ये पुलिस नहीं थी बेटे, ये पुलिस की वर्दी में बदमाश थे। आओ, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, अंदर बैठो। बेटे मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें खातिर नहीं बचा सका। जा, 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 चला, जा। नहीं अंकल। जा भाग जा, जा भाग जा बेटा, भाग जा। हरामजादा, मैं मरा नहीं जिंदा हूं। आज सामने उस मौत के खेल में तू भी एक खिलाड़ी है। तेरी मौत हमारे प्लान में नहीं थी, तूने खुद अपनी मौत को दावत दी है बेवकूफ। कमीने मत। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मुझे अपनी किस्मत की रेखाओं पर आपके दस्तखत चाहिए। मैं चाहूं भी तो तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। आई लव यू, आई लव यू। आ रहा हूं, तो मिल गया। सब कुछ जानते हो भी इस हरामजादे ने इतने दिनों तक हमें बैग के बारे में कुछ नहीं बताया। इसे तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, पहले ये तो देख लो बैग में रुपए हैं कि नहीं। ए भाई, जिस तरह तुम लोग 50 लाख की तलाश में हो, उसी तरह हम भी इस रुपए की तलाश में हैं, समझे? चाकू नीचे फेंक दे। शाबाश, बैग नीचे रख। प्रीत, बैग उठाओ और बच्चियों को साथ ले लो। रिवॉल्वर फेंक दो, अब पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारी मौत खड़ी है। मुझे शक था कि सांप आस्तीन में है, मगर वो सांप तुम हो ये मालूम नहीं था। मगर मुझे मालूम था कि तुम सब सूरज से मिले हुए हो और उसके साथी बनके उसकी मदद कर रहे हो, लेकिन आज आज नंदलाल पटियाले वाले के हाथों से कोई नहीं बच सकता। पता है क्यों? क्योंकि इन तमाम बर्फीली पहाड़ियों में, इन तमाम घाटियों में मैंने बारूद की सुरंग बिछा रखी है, जो एक मामूली ठोकर से ज्वालामुखी की तरह फट सकती है। नमूना दिखाऊं?
देख लिया नजारा, और अब सबसे पहले तो इस पिल्ले की मौत आएगी, क्योंकि बैग के लिए बहुत तरसाया इसने हमें। कर दो मुझे। ले जाओ इसे। रुक जाओ। नंदलाल, कब वहीं रुक जाओ। बैग नीचे रख दो। तुम मेरी जान ले लो, मगर उस असुम को छोड़ दो। उसे कैसे छोड़ दूं? उस पर तो मृत्यु योग है, और उसके ऊपर नंदलाल पटियाले वाले की छाया है। जिंदा हूं। मगर बेटी, अगर तुम जिंदा हो तो वो मरने वाली लड़की कौन थी? वो मेरी हमशक्ल जुड़वा बहन अनीता थी। मुझे खबर मिली कि मेरे भाई को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन जब मैं पहलगाम से निकली तो बर्फ पड़ने की वजह से सब सड़कें बंद हो चुकी थी। उधर उन लोगों ने मेरी बहन को फोन किया और रुपए लाने के लिए कहा। ये लोग क्या कहते हैं बेटी? पता नहीं आंटी, लेकिन चीतू की जान मैं अपनी जान देकर भी बचाऊंगी। भाई की जान बचाने के लिए मजबूरन उसे मेरा रूप लेना पड़ा। इस तरह मेरी जगह अनीता मारी गई।
और जब मैं पहुंची तो आप लोग मेरी बहन की चिता जला चुके थे, जिसे राजेश प्यार करता था। जिस रात आप लोग सूरज की तलाश कर रहे थे, मैं उससे मिली। मैंने उसे बताया कि कातिलों से उनके गुनाह कबूल करवाने के लिए मैंने ये आत्मा का रूप लिया है। फिर सूरज, राजेश और मैंने मिलकर कातिलों के खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाया कि वो एक एक करके अपने गुनाह कबूल करते गए। राजेश ने मुझे बाथरूम से बाहर निकाला और सूरज ने सतपाल के रिवॉल्वर में नकली गोलियां डाली थी। कुछ पता चला कि वो लोग कौन हैं और उन्होंने तुम्हारी बहन को क्यों मारा? आज सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए मेरे साथ चलिए। चलो। और अब तुम दोनों की बारी है। लेकिन तुम लोग स्लेज पर नहीं, बंदूक की गोली पर जाओगे। रुक जाओ नल्लाल, ये हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान तुम्हें कहां है सूरज? ये क्या मजाक है? मेरे हाथ में बंदूक है जिसका निशाना तुम पर है, फिर भी तुम्हें मजाक लग रहा है? अच्छा, तो ये तेरा असली रूप है नंदलाल पटियाले वाले। आज तुझे तेरे ग्रहों की दशा बताता हूं। आज तेरा मृत्यु योग है। आगे मत बढ़ो राजकुमार। मेरा पेशा बहुत से खेलना है। उस लड़की को हमने ही मारा था, लेकिन मुझसे बड़ा भी एक कातिल है। ये हाथ तो सिर्फ गोली चलाने वाले थी, इशारा किसी आ... कौन है वो? बताता हूँ। एक दिन की बात है। क्या काम है? वही जिसकी सजा तुम भुगत कर आ रहे हो। एक लड़की का खून करना है। पैसे कितने मिलेंगे? 50 लाख, 20 लाख तुम्हारे और 10-10 लाख हम तीनों के हिस्से में आएंगे। लेकिन इसके बदले में हम तीनों तुम्हारी मदद भी करेंगे। लड़की कब और कहां मिलेगी ये भी हम तुम्हें बता देंगे। पैसा कौन देगा? पैसा वो लड़की खुद लेके आएगी। तो समझ लो खून हो गया और मैंने ही प्रीत के भाई का कत्ल किया था और उसकी लाश सतपाल ने गायब की थी। उस लड़की का खून मैंने ही करवाया था और तुम्हारी मां का कत्ल भी मेरे ही आदमी ने किया था, क्योंकि तुम्हारे पिता जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो मेरी इकलौती बहन थी और राजमाता जी, तुम्हारे पति ने मेरी उस बहन का खून करवा दिया जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी और उसकी चिता पे मैंने कसम खाई थी कि इस खानदान में मैं किसी दुल्हन को बसने नहीं दूंगा और आज वो आखिरी हिसाब भी पूरा करके रहूंगा। मुझे मालूम था कि बाजी एक दिन मेरे हाथ में होगी। तुम्हारा पहला साथी सतपाल जिंदा है, वो देखो। इसके मरने की खबर मिस किरण के जरिए मैंने इसलिए उड़ाई थी ताकि दूसरे कातिलों तक पहुंच सकूं। मिस किरण, बैग उठा लो। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला दो, अब तुम सब मेरे शिकार हो। डॉक्टर भी मेरे कब्जे में है, वो देखो। तुम कौन हो? रणवीर पुष्प, सीबीआई ऑफिसर। मिस्टर सूरज, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की मदद से ही ये सब कातिल पकड़े गए हैं। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो इस बच्चे की खोपड़ी इन बर्फीली पहाड़ियों में उड़ती हुई नजर आएगी। आगे मत बढ़ो, चलो।
जल्दी चलो, बैग गाड़ी में रखो, जल्दी रखो। राजेश के प्यार की महानता ने यह साबित कर दिया कि प्यार का सच्चा सुख त्याग में है। गुड लक, जीते रहो, खुश रहो।